यूपी सरकार और एनडीए सरकार कह रही है कि बिहार का कायाकल्प होने वाला है, ऐसा बजट मतलब किस तरह का कायाकल्प होने वाला है, हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी बिहार से आते हैं, तो चाहते हैं कि बिहार को मिला क्या है। बिहार का जो डिमांड है, जो बिहार के मुख्यमंत्री का और जेडीयू का एक डिमांड था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो उसमें उनको मिला क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो मुख्य जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो ये जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एकमुश्त ये पैसे क्या एकमुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं थमाने हैं? आप बताइए, बिहार का अपना खुद का बजट 2,50,000 करोड़ का होता है, उसमें ये और योजना ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। केंद्र सरकार ये जो आप जो इन्होंने योजनाएं जो इन्होंने घोषित की है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब किसी भी वर्ग के लिए, इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं, एम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं की गई है, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट और रीपैकेजिंग इसको कर दी गई है। अब उसमें देखना होगा बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने घोषणा की है इसमें, वो तो ऑन अभी पिछली भी चल रही है, उसमें बस उसको रीपैकेजिंग करके उनको प्रस्तुत किया गया है, बाकी और डिटेल में देखने से पता चलेगा। नीतीश कुमार का कल बयान है, उस बयान में ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि एक नेचुरल अलायंस है और जब ये अलायंस हुआ है तो बिहार प्रगति के राह पे जाएगा, और हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बजट हुआ है वो बिहार में डेवलपमेंट लाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव है और हम लोग को ये लगता है और बिहार की जनता को ये लगता है कि ये चुनावी घोषणाएं साबित होगी ये जो कहा गया है इस बजट में। बाकी अभी समय है आपके सामने, पता चलेगा। बिल्कुल, कुर्सी बचाने वाला बजट है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी थी उसे फिलहाल टालने के लिए इस तरह का बजट लाया गया है।